श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में नौवां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल प्रगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा और दर्शन से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर और भी ज्योतिर्लिंगों की कथा जाननी है और उनके दर्शन करने हैं तो हमारे चैनल पर उन सब की वीडियो भी है, आप उन्हें अभी देख सकते हैं। और अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो अभी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सारे सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहीं काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में रावण को लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार से भी उठा ना सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाने लगा। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया जाता है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं समस्त रोगों शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिव धाम की प्राप्ति होती है। भोले बाबा ने अपने भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए इस ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों, आप भी और ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सेक्शन में जाकर और भी ज्योतिर्लिंगों के बारे में उनके दर्शन और कहानियां जान सकते हैं। साथ ही नई नई धार्मिक कहानियां भी वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हर हर महादेव।